हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो वेलकम टू माय चैनल। सो आज का ब्लॉग में रोज गार्डन नामची वहां पर जाने वाला हूँ। आज का ब्लॉग फुल हिंदी में हो जाए। मेरा एक जान पहचान वाला एक भाई है, वो हिंदी में बहुत अच्छा ब्लॉग बनाते हैं ना। इसका चैनल का नाम गोरखे बॉय है। मैंने सोचा मैं भी हिंदी में ब्लॉग बनाऊँगा। सो आज का ब्लॉग फुल हिंदी में होने वाला है। सो मेरा हिंदी तो अच्छा नहीं है, पर कोशिश करूँगा जितना हो सके मैं हिंदी अच्छा बोलने का ट्राई करूँगा, क्योंकि मेरा प्रायः जैसा ब्लॉग, प्रायः क्या बोलते हैं उसको हिंदी में यार, वही जो आप समझ गए होंगे। तो मेरा यार क्या बोलूँ, हाँ वही ब्लॉग हिंदी ज़्यादातर नेपाली में होता है मेरा। सो आज का ब्लॉग फुल हिंदी में होने वाला है। सो देखते रहिए, आप सब लोगों को दिखाऊंगा वहाँ का नजारिया। सो चलो चलते हैं। सो गाइस, मोचे हिड़ते को ला, सॉरी 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 सॉरी। सो गाइस, अभी मैं चल दिया ऊपर रोज का रोड ऐसा ही है, यहाँ का बहुत रफ है, क्या करूँ यहाँ का। पर अभी ये बैकोटिंग हो रहा है तो शायद यहाँ अच्छा ही होगा, कारपेटिंग होगा। सो ये मेरा स्कूल, मेरा तो नहीं गवर्नमेंट के स्कूल है, पर यहाँ पर मैं क्लास 10 तक पढ़ा हूँ। पढ़ा का मतलब स्टडी किया है, तो मेरा हिंदी ब्रो अच्छा नहीं ना। सो क्लास 10 तक पढ़ा है। तो चलते ऊपर की तरफ देखते हैं। हमारे गांव में भी रोड आया होता था कसम से, इतना मजा आता भाई, इतना मजा आता। साले घर से ही मैं निकलता बाइक लेके ब्लॉग बनाते बनाते, साले कितना दूर गिनना पड़ता है मेरे को, ऊपर ऊपर ऐसा ऐसा इतना ऊपर लेके यार, उकाले 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 चढ़ना पड़ता है ना, तो बहुत कठिनाई होगी मेरे को। कठिनाई का मतलब क्या है, आसान नहीं होगा, बहुत सारा पड़ेगा ना उकाले लिड़ने के लिए। सो ऐसा है ना, हमारा गांव का रूट खोबड़ खाबड़ है, खोबड़ खाबड़ है, जहीं तहीं है खोबड़ खाबड़ भाई। जैसे भी हो मेरा हिंदी वो समझ लेना, ठीक है, क्योंकि नेपाली बंदे हिंदी बोलना अच्छे से नहीं आता है ना। सो जाता सुके बोल देते हैं हम। सो चलते हैं नामची की तरफ, और नामची में जाकर मेरा बाल कटाना है, तर बहुत लंबे हो गए ना। कल परसों मेरे ड्यूटी फरकना पड़ेगा, मतलब लौटना पड़ेगा, तो उस वक्त मेरा बाल लंबा देख लिया ना, मारेगा मुझे। सो गाइस, यहाँ से अच्छा 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 क्या बोलूँ, हाँ अच्छा ही है यहाँ से रोड अच्छा है। शायद कति लोगों को तो कति क्या, हाँ शायद काफ़ी लोगों तो ये नामची का ये रोज गार्डन में जा चुका होगा, तो फिर भी जितने लोग वहाँ पर गया है उस लोगों को भी स्वागत है इस नामची के ब्लॉक, रोज गार्डन वाला ब्लॉक में। जितने लोग नहीं गया हो तो जाना अच्छा है।
सो गाइस नामची कॉलेज काटकर यहाँ पर तिंजिर आ चुका हूँ। ये इसको बोलते हैं तिंजिर। सो गाइस दिस इज अ नामची। सो मैं आप पहुंचा हूं नामची, तो अब डायरेक्ट जाऊंगा वहां पर रोज गार्डन पर डायरेक्ट जाऊंगा, और उसके बाद बाजार आके थोड़ा सा सामान खरीदना है, और उसके बाद बाल कटिंग करवाना है भाई, और फिर लौट के घर जाना है। अरे भाई ऐसा किया तो हम मर जाएंगे यार। तो गाइस ये देख सकते हो हमारा ये भाईचुंग स्टेडियम। ये भाईचुंग स्टेडियम में हाँ माँ भाई ये अंत बात भाई, ऐसे ही दौड़ना भाई, जिंदगी अभी बाकी है भाई मेरे दोस्त, थोड़ा संभल के जाना, थोड़ा संभल के जाना भाई। एक दिन हम भी ऐसे लड़की बैठाएंगे पीछे और चले जाएंगे साले, कोई बात नहीं। अरे भाई ऐसे तो मत किया करो। सो यहाँ देखि चाहिए उकालो जानु पर्ने हो होइन। हाँ गाइस दिस हम आ चुके है रोज गार्डन। ओके गाइस सो यहीं पर रोज गार्डन यही है। सो गाइस आज आज से क्या है यहाँ पर, बहुत डेकोरेशन चल रहा है, शादी है क्या किसी का। सो गाइस यही है रोज गार्डन, हम अब अंदर जाएंगे। सो गाइस मैं तो रोज गार्डन आप क्या बोलूँ आ चुका हूँ, यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। सो यहाँ पर पहुँच चुका हूँ मैं रोज गार्डन पर। यहाँ पर क्या है ना, वो रोज का भी सीजन है ना, तो यहाँ पर सब रोज मुरझा चुका है, क्या बोलते उसको ओइला चुका है। सो अच्छे से नहीं दिख रहा है, पर नेक्स्ट टाइम मैं जब रोज खिलेगा ना उस वक्त आऊँगा, ठीक है, और आपको दिखाऊँगा यहाँ का अच्छा अच्छा नज़ारिया। सो देखते रहिए, और फिर भी यहाँ का छोटा छोटा सा मैं सिनेमेटिक व्यू आपको दिखाऊँगा।
रोज गार्डन ऐसा ही है, इतना ही है। और यहाँ का यहाँ पर क्या क्या मिलता है, सो यहाँ पर वैरायटी ऑफ फ्लावर्स मिलता है, 50 टाइप का रोज़ मिलता है, रोज़ वेराइटीज़ मिलता है, उससे भी ज़्यादा और उससे भी कम हो सकता है, मेरे को एग्जैक्ट मालूम तो नहीं है। और यहाँ दूसरे टाइप का फ्लावर्स है ना, दूसरे टाइप का फ्लावर्स भी मिलता है यहाँ पर। और यहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी है वहाँ पर जाकर खाना बना और चाय पीना है तो पी सकते हो। तो सीधे मैं चलता हूँ अब नमची बाज़ार, वहाँ पर बाल कटिंग करवाऊँगा और थोड़ी सामान खरीद के मैं फिर वो वापस घर जाऊंगा। सो आपने देख लिया होगा ऐसा ही है रोज़ गार्डन। अभी ये सीज़न नहीं हुआ है ना, क्योंकि ये सीज़न ख़त्म हुआ है, क्योंकि अभी रोज़ नहीं मिलेगा यहाँ पर अच्छा खिला हुआ, क्योंकि ये सीज़न नहीं है। सो जब आप सीज़न होंगे ना उस टाइम आना। सीज़न कब हो गए, मार्च टू अप्रैल के बीच में जितना भी आओगे यहाँ पर रोज एकदम खिला हुआ मिलेगा आप लोगों को। सो चलते हैं, अब मैं निकलता हूँ यहाँ से और नीचे बाजार में मिलूँगा आप लोगों को। सो गाइस, अभी यहाँ से निकल चुका हूँ। सो इतना ही था आज का ये रोज गार्डन का ब्लॉक। सो गाइस, हम अभी सेंट्रल पार्क में, सेंट्रल पार्क नमची का। सो हम वहाँ पर जाएंगे बाल काटने के लिए। चलते भाई, आप फिर एक बार बाल साल भी काट लिया है ना, हैंडसम हो लिया, तो चलते हैं। सो गाइस, हम चलते हैं अब सीधे घर। तो सब बाल साल भी काट लिया, सामान भी किन लिया। और क्या था, घूमने का था, आप लोगों को रोज गार्डन दिखाने का था, वो भी दिखा लिया। छोटा सा नमची सेंट्रल पार्क का ब्लॉक भी दिखा दिया। इतना ही था आज का ब्लॉक। सो मेरा हिंदी में दूसरा ब्लॉक देखने के लिए धीरे धीरे धन्यवाद छे धन्यवाद है आप लोगों को। तो आप मेरे चैनल में पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके जाना, और जिस लोगों ने भी सब्सक्राइब किया है तो उसको मेरे तरफ से फिर से वही आंध्र भुड़ी भित्र बाहर सब देखें तपाईहरुलाई धीरे धीरे धन्यवाद छे।